कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यानी स्थिर वैद्युतिकी के पहले अभ्यास कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का जो पहला अभ्यास है लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर उस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो बच्चों, इस पॉइंट को देखेंगे जो कि इस अभ्यास का लास्ट पॉइंट है आपका, और बहुत बारीकी से इस पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले अगर कोई बच्चा इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और आपको हम अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सके। तो बच्चों, यह टॉपिक क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उसमें हम क्या रखेंगे, कोई द्विध्रुव रखेंगे, तो उस द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगेगा। बल युग्म का मतलब बच्चों बलों का जोड़ा, बलों का जोड़ा, बलों का जोड़ा मतलब बच्चों हम जानते हैं क्या कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश रखते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उसमें एक फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है बच्चों, एक बल लगने लगता है जो कितना होता है बच्चों, F बराबर क्यू ई। कितना होता है बच्चों, F बराबर क्यू ई, यानी उस आवेश तथा उस वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। और हम जान रहे हैं वैद्युत ध्रुव हमारा जो होता है दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका मतलब इस ध्रुव पर दोनों आवेशों पे बल लगेंगे तो बल के क्या रूप होगा बच्चों, दो रूप होगा, यानी बल कितना होगा, दो होगा। इस वजह से हम कह देंगे बल युग्म। क्या कह देंगे, बल युग्म। और यह बल युग्म का आघूर्ण यानी यह बल युग्म रोटेट कैसे करता है, यही हमको देखना है, जिसे हम कहेंगे बल युग्म का आघूर्ण। आइए बच्चों बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझते हैं और पूरे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए, हमने क्या किया बच्चों, एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है जो कि एक समान है, यानी कहीं भी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी बाहर की तरफ है, कोई प्लस चार्ज है उसकी वजह से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है, और भी एक समान है हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, समान है। अब देखिए, यहां पे एक समान वैद्युत क्षेत्र हम ले लिए हैं वैद्युत क्षेत्र E, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया बच्चों, एक द्विध्रुव रख दिया है, क्या माइनस Q और प्लस Q। क्या रख दिया बच्चों, माइनस Q और प्लस Q। यह जब वैद्युत द्विध्रुव रखे तो इसको 36 के साथ कितने एंगल पे रखा बच्चों, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रखा है, थीटा एंगल पे। अब हमने देखा यह जो द्विध्रुव है माइनस Q प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2L। इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2L। अब हमने देखा क्या, जब इस द्विध्रुव को हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा तो प्लस Q आवेश पे भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, माइनस Q आवेश पे भी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा। तो प्लस पे जो आवेश जो फोर्स लगता है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर कोई प्लस आवेश है तो इस पे जो फोर्स कार्य करता है वह ई की दिशा में होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे बच्चों। और अगर माइनस की आवेश है तो इस पे जो बल कार्य करता है वह ई की यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है बच्चों। कहाँ होता है, विपरीत दिशा में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो प्लस की आवेश से इस पे बल लगने वाला जो बल है वह वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, फोर्स भी इधर है, वैद्युत क्षेत्र भी इधर और फोर्स भी इधर। लेकिन जो माइनस की आवेश है वैद्युत क्षेत्र इधर है, बल इधर है, यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्लस पे आवेश इधर लग रहा है, माइनस पे आवेश इधर लग रहा है, रोटेशन ऐसा है। अब एक बल यहाँ लगेगा, एक बल यहाँ, तो दोनों इसको रोटेट करेंगे, दोनों इसको क्या करेंगे बच्चों, रोटेट करेंगे। अब एक बल यहाँ, एक बल यहाँ, तो बल युग्म हो गया, यानी बल का जोड़ा। अब ये इसको जो रोटेट कराएंगे वह कितना होगा, वही होगा बच्चों बल युग्म का आघूर्ण, यानी इस बल युग्म द्वारा इस द्विध्रुव को कितना रोटेट कराया जा रहा है, यानी कितना घुमाया जा रहा है, वही क्या होगा बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण। तो यह होता कितना बच्चों, पहले कुछ पॉइंट्स और नोटिस कीजिएगा कि अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखते हैं तो उस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो उस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यानयन बल युग्म। यानी जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो उस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। अभी यहाँ पर क्या करेगा, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे सोचेगा घुमा के ऐसे ला दे,
घुमा के ऐसे ला दें, तो यह सोचेगा इसको घुमा के ऐसे ला दें, तो यह जो बलयुग्म है इस बलयुग्म को क्या कहेंगे बच्चों, प्रत्यानयन बल युग्म। अब बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, तो इस बलयुग्म में से कोई एक बल, इस बलयुग्म में से कोई एक बल और इन बलों को मिलाने वाली क्रिया रेखा, यानी इसकी इसको मिलाने वाली रेखा यह है और इसका रेखा यह है, इन बलों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, कैसी दूरी बच्चों, लंबवत दूरी। यहाँ देख सकते हैं जो बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, वह एक बल होगा तथा दोनों बलों के बीच क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच क्रिया जो रेखा, इसका रेखा यहाँ आएगा, इसका रेखा यहाँ आएगा, जो लंबवत दूरी होगा इसका क्रिया रेखा यही होगा इस बल का, और इस बल का क्रिया रेखा यह होगा, तो यह जो लंबवत दूरी होगा इसी को इनके गुणनफल को क्या कह देंगे बच्चों, बलयुग्म आघूर्ण। तो यहाँ पे एक बल यह है और लंबवत दूरी कितना होगा बच्चों, 2L sin थीटा, कितना होगा बच्चों, 2L sin थीटा। तो यह बलयुग्म आघूर्ण को हम बच्चों दर्शाते हैं किससे, तो बलयुग्म आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से, और यहाँ पे एक बल कितना मान लेंगे, 4F मान लेंगे, और लंबवत दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है कितना बच्चों, 2L sin थीटा, तो यह हो जाएगा कितना, 2L sin थीटा। कैसे होगा बच्चों, तो यह जो लेंथ है इसका हम ऊर्ध्वाधर घटक यानी ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो sin थीटा आएगा, अगर क्षैतिज घटक लेते तो cos थीटा, तो यहाँ पे लंबवत दूरी कह रहे हैं, लंबवत ऊर्ध्वाधर होता है, तो इसके वजह से 2L के साथ क्या आ गया बच्चों, sin थीटा, यानी tau बराबर एक बल हो गया f, और जो लंबवत दूरी हो गया कितना होगा बच्चों, 2L sin थीटा। तो आप इसको थोड़ा सा जब और हल करेंगे तो मिलेगा क्या, f बराबर कितना होगा बच्चों, QE, f बराबर QE इंटू क्या बच्चों, 2L sin थीटा। अब यहाँ इसको पूरी तरह से जब हल करेंगे आप, तो आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, इंटू E sin थीटा, और यह क्या होता है बच्चों, चूंकि हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L, यानी एक आवेश और उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव आघूर्ण P, यानी इसको हम लिख सकते हैं पी टाउ बराबर बलयुग्म आघूर्ण को किससे दर्शाएंगे बच्चों, टाउ से, किससे दर्शाएंगे, टाउ से, कहीं आपको टो लिखा मिल जाएगा, कहीं टाउ लिखा मिल जाएगा, बात एक ही है, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, PE sin थीटा, यही हो जाएगा क्या, इस द्विध्रुव को, इस द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, यानी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण कितना, टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर इसका सदिश रूप हम लिखना चाहें बच्चों, यानी सदिश रूप लिखना चाहें, तो सदिश रूप इसका होगा क्या बच्चों, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। आई होप यह पॉइंट आप लोग समझे होंगे, यही है हमारा क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो बलयुग्म कार्य करता है, तो उसका बलयुग्म आघूर्ण कितना होता है, तो वह होता है बच्चों टाउ बराबर PE sin थीटा। इससे रिलेटेड बच्चों पेपर में आपका क्वेश्चन बनता है क्या, न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है, और न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे बनता है, तो थोड़ा सा आई होप अगर इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे, तो इस पॉइंट को हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, आसान सा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता है, तो आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड यहीं पे जस्ट एक प्रश्न, क्या है प्रश्न बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है इसका मान हो जाए कितना बच्चों, यानी जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसका मान मान लीजिए हम कितना मान लें, 1×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र की मात्रा का होता है बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, इसको हम अभी आगे देखेंगे अगले अभ्यास में, यानी मान ले रहा है ये कमान है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका मान कितना बच्चों 1×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और जो दोनों आवेश होते हैं तो वैद्युत ध्रुव में समान आवेश होता है लेकिन उनका प्रकृति विपरीत होता है, यानी मान लीजिए क्यू बराबर है कितना 1×1 ऐसे मान ले बच्चों 1 माइक्रो कूलाम, बहुत छोटा सा आवेश मान ले रहे हैं, यह पहला क्या है 1 माइक्रो कूलाम और दूसरा क्या बच्चों -1 माइक्रो कूलाम, क्योंकि दोनों का प्रकृति क्या होता है बच्चों विपरीत होता है, और इनके बीच का जो दूरी है बच्चों मान ले रहे हैं इनके बीच का दूरी जो है वह 2 सेमी है, क्योंकि ये बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, यानी दूरी जो 2L मानते हैं, या क्या होता है बच्चों 2L जो मानते हैं यहाँ पे मान लिया कितना 2 सेमी। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, बच्चे इसको क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे 1 सेमी लिख देते हैं, 2 से 2 कभी भूल से भी गलती मत करना, क्योंकि यही दूरी हमारा 2L, पूरा दूरी क्या होता है 2L ही होता है, पूरा दूरी क्या होता है 2L, अगर आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो यह आधी दूरी हो जाएगी, तो इस वजह से गलत हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल नहीं करेंगे, यानी हो जाएगा 2L बराबर कितना बच्चों 2 सेमी, यानी अगर आप इसको मीटर में बदलें तो हो जाएगा 2×10⁻²⁰ मीटर, और आवेश को अगर हम कूलाम में बदलें तो Q1
या फिर Q2 दोनों एक माइक्रो कूलाम है, बस इनका प्रकृति विपरीत है। तो एक कूलाम में होता है बच्चों 10^-6 कूलाम। आई होप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब हमें अगर पूछ ले यहाँ पे एक प्रश्न पूछ ले क्या बल युग्म आघूर्ण यानी ताप, बल युग्म में नहीं पहले पूछ ले वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P और दूसरा पूछ ले बच्चों बल युग्म का आघूर्ण यानी ताप। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो P बराबर रमजान है बच्चों क्या Q इंटू क्या होता है 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो P Q का मान कितना है बच्चों 1 × 10^-6 और 2L का मान कितना है बच्चों 2 × 10^-2, यानी कह सकते हैं P बराबर 2×2 और 2 × 10^-8। मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका मात्रक हम बता चुके हैं कूलाम मीटर, क्या होता है बच्चों कूलाम मीटर, यानी Q आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, 2L क्या दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर। आई होप इस पॉइंट को समझाओगे। दूसरा प्रश्न इससे रिलेटेड जो बल युग्म आघूर्ण क्या पूछेगा वह क्या होता है बच्चों, हमने टाउ बराबर पढ़ लिया क्या PE sin theta। तो अगर हम कहते हैं tau बराबर P का मान कितना निकाली है बच्चों 2 × 10^-8 और E का मान कितना दिया बच्चों 1 × 10^5 और sin कितना sin theta कितना होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा अगर हम theta को कह दें यह जो द्विध्रुव है वह कितना कैसे रखा गया है, मान लीजिए 30°, 45°, कुछ भी मान लीजिए, मान ले रहे हैं वह द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ 30° का कोण बना रहा है, कितने अंश का बना रहा है बच्चों 30° का। तो यहाँ कितना हो जाएगा sin 30°, यानी टाउ बराबर हो जाएंगे 2×2 और 8 × 5 = 10^-3 और sin 30° का मान 1/2, 2 × 2 कैंसिल, यानी टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों 1 × 10^-3। इसका मात्रक नहीं देखिए बच्चों, तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, यानी बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ का जो मात्रक होगा या क्या है, एक बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और बलों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों मीटर, यानी टाउ या बल युग्म आघूर्ण का जो मात्रक होगा कितना होगा बच्चों न्यूटन मीटर, यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इससे रिलेटेड बहुत ही आसान प्रश्न पूछेगा, प्रश्न भी आप लोग समझ लिए होंगे, इसी तरह से सेम प्रश्न भी पूछेगा, प्रश्न आपके बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, आप प्रश्न को हल करेंगे, आई होप सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। और हमने क्या किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी अध्याय यूनिट 1 का पहला एक्सरसाइज कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया बच्चों, और अगला अभ्यास पे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने पहला अभ्यास क्लियर किया, आप लोग सारे पार्ट्स क्लियर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सके। धन्यवाद।